हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT यानी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में नॉन टीचिंग और नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों के बारे में बताने वाला हूँ। और टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों की बात करें तो PGT टीचर, TGT टीचर के विभिन्न सब्जेक्ट में आवेदन आमंत्रित हैं, और लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। और इस पद के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, बट आपका सिलेक्शन जो है इंटरव्यू के आधार पर होगा। इंटरव्यू किस बेसिस पे होगा, जिसके बारे में डिटेल जानकारी इस वीडियो में नीचे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन विभिन्न पदों के बारे में कि PGT टीचर में किन किन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा TGT टीचर में कौन कौन से विषय में आवेदन आमंत्रित हैं और क्वालिफिकेशन कितना है इन पद के लिए। लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन क्या है और कैसे आपको इंटरव्यू में अपीयर होना है, क्या क्या करना है, सभी डिटेल जानकारी इस वीडियो के थ्रू मैं बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और है कि इस चैनल के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और वेबसाइट का भी लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक, यूट्यूब पर का लिंक, सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वीडियो देखें या ना देखें, बट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर विजिट करें। अब हम बात करते हैं इन विभिन्न पदों के बारे में। तो विभिन्न पदों के बारे में हम बात करें सबसे पहले PGT टीचर के बारे में कि PGT टीचर में किन किन सब्जेक्ट में आवेदन आमंत्रित हैं। तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और हिंदी में एक एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट 18 से लेकर 65 साल हैं और 1/4/2023 तक एज लिमिट आपको कैलकुलेट करना है। इस पद के लिए हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 साल का इंटरग्रेटेड कोर्स यानी पोस्ट ग्रेजुएट PGMA होना चाहिए, और जो यह MA आपका है यानी मास्टर ऑफ आर्ट जो है NCERT से संस्था से संबंधित होनी चाहिए, यानी जो आपका स्कूल है या कॉलेज है वो इस संस्था से संबंधित होना चाहिए, या मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं तो पोस्ट वाइज डिटेल दी गई है कि पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या है। तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट हैं यानी इकोनॉमिक सब्जेक्ट हैं, इन सारे सब्जेक्ट में होनी चाहिए। एंड BEd आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की हम बात करते हैं तो 27,500 रुपये पर मंथ कंसोलिडेट सैलरी है, क्योंकि यह जो वैकेंसी हैं सरकारी नौकरी के लिए नहीं है, प्राइवेट नौकरी के लिए हैं, और आप प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और इस चैनल पर तो डेली सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती है, लेकिन ऐसे भी अपने प्रोफेशनल्स हैं जिनको प्राइवेट नौकरी की भी अभाव है, तो कमेंट हमारे चैनल के थ्रू आता है कि आप प्राइवेट नौकरी से रिलेटेड भी वीडियो बनाएं। तो इन सभी कमेंट को ध्यान में रखकर मैं यह वीडियो बनाता हूं प्राइवेट नौकरी से रिलेटेड, और आपसे आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को आगे बढ़ाने में यानी शेयर करने में सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करेंगे, जिससे कि वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से मैं वीडियो बनाता हूँ, वह उद्देश्य फुलफिल हो। यानी मेरा यही उद्देश्य है कि आपको भी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी मिले, क्योंकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसमैन हूं और मेरी यही इच्छा है। इस इच्छा को ध्यान में रखते हुए, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं काफ़ी दिनों से यह वीडियो बनाता हूं, और यह चैनल जो है अभी बहुत पीछे चल रहा है। तो आप चाहेंगे तो यह चैनल सबके लेवल का हो जाएगा, मतलब अच्छा इसका लेवल हो जाएगा। और ऐसे भी आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को आगे बढ़ाने में, हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हमारे वीडियो भी देख रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं TGT टीचर में विभिन्न सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए, PCM हिंदी, उड़िया, SSC और इंग्लिश में आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें PCM में 2 पद हैं। और क्वालिफिकेशन जो है संबंधित सब्जेक्ट में आपके ग्रेजुएशन मांगा हुआ है क्वालिफिकेशन में, या 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, और जो सब्जेक्ट आपका है उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन 50% अंक के साथ में होनी चाहिए, और कम से कम BEd 1 साल का है। यदि BEd में आपका परसेंटेज लो है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी 45% है तो भी आप BEd में हैं 45% के साथ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 26,250 रुपये सैलरी हैं। इसके अलावा TGT टीचर में और पद हैं जो उड़िया मीडियम में आवेदन आमंत्रित हैं, इसमें CPM, बायोलॉजी, उड़िया, SSC, इंग्लिश और संस्कृत हैं, जिसमें CPM में 2 पद हैं, लेकिन इसमें जो है यह जो पद हैं TGT टीचर के लिए, इसके लिए एक स्पेशल सब्जेक्ट दी गई है उड़िया भाषा
का ज्ञान होना चाहिए, यानी उड़िया मीडियम में होना चाहिए। और सैलरी सेम है इस पद के लिए। अब टीजीटी टीचर में पीटीआई के लिए एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, सैलरी सेम है, और ग्रेजुएट साथ में बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन यानी बीपीएड होना चाहिए। इसके अलावा जो अगला पद है पीएसटी के लिए है, जो सेकेंडरी लेवल पे आवेदन आमंत्रित किए गए 55% मार्क अंक के साथ में या 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। और भी डिटेल जानकारी इसमें दी गई है। तो इतना सारे डिटेल जानकारी के लिए आपको क्या करना है कि व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें यह नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहाँ से डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी लिंक मिलेगा। लाइब्रेरियन के लिए एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या ग्रेजुएट भी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, या तो आप बैचलर डिग्री हैं बिलीव हैं, या आपके पास डिप्लोमा है, या इसके अलावा वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश से संबंधित होनी चाहिए। और सैलरी 21,250 रुपये हैं, जो कंसोलिडेट सैलरी मिलने वाली हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका जो सैलरी मिलेगा, यानी अब जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं, और जो आपका पेमेंट मिलने वाला है 200 रुपये वर्किंग डेज के हिसाब से मिलने वाला है, या जो सैलरी है इसी के हिसाब से आपको 7 डेज का काउंट करके आपको सैलरी मिलेगी। दूसरी बात कि यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपको फ्यूचर में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सीधी भर्ती के लिए चयन हो सकता है, लेकिन यह कन्फर्म नहीं है। अब हम बात करते हैं कि यह जो डिटेल जानकारी है इंटरव्यू के बारे में, तो इसके लिए हम नीचे आते हैं। क्वालिफिकेशन तो आप देख लिए हैं। देखिए जो इंटरव्यू तिथि है, जो इंटरव्यू दिनांक है, जो तिथि है, वो 18 अप्रैल 2023 को हैं, और सुबह मॉर्निंग में 9:30 बजे आपको इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। और इंटरव्यू कहाँ पे होने वाला है, तो ऑफिस ऑफ द सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिस खुर्दा रोड डिवीजन, जो रेलवे स्टेशन के पास में है वहीं पे हैं, और वहाँ पे आपको जाना है। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे हैं। 9:30 बजे जाकर और सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद से नो रजिस्ट्रेशन आप एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अलाउ बाइंग द क्लोजिंग टाइम ऑफ 12 बजे तक क्लोजिंग टाइम है आपके रजिस्ट्रेशन का। इसके बाद आपको कोई कंसीडर नहीं की जाएगी। और भी डिटेल जानकारी के लिए आपको क्या करना है कि एडवर्टाइजमेंट आपको वेबसाइट पर व्हाट्सएप ग्रुप से या वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, और एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है या इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है। जो वेबसाइट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, डिटेल जानकारी आप पढ़ पाएंगे। अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दी गई है। तो यह एप्लीकेशन फॉर्म है, छोटा सा नॉर्मल सा है। यह एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपको और सेंड करना है। डिटेल जानकारी के लिए आपको वेबसाइट पर जाकर विजिट करना है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले या इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले सेल्फ सर्टिस्फाई होकर ही इंटरव्यू में आपको जाना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक रिक्वेस्ट